जो बेटी ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है वो ससुराल का प्यार कभी नहीं पा सकती है। ध्यान रखना, होना तो ये चाहिए कि जैसा परिवार और जैसा ससुराल मिला है वही हमारे जीवन की उपलब्धि हुआ करती है। अब उस परिवार को, ससुराल को कैसे स्वर्ग में बदलना है, इसका नाम साधना हुआ करता है। ध्यान रखिए, मानने में क्या करोगे वहां की बड़ाई कर करके? इतनी पैसे वालों की लड़की हो, 2 साल भी रह जाओगी ना तो सब पता पड़ जाएगा। कोई भी, सभी बहुएं भाभियां ताने मारने लगेंगी तुम्हें। ध्यान रखिए, जो तकदीर में है वही होता है। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश, उत्तम मार्दव धर्म, बड़े विनम्र रहिए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पुण्य का उदय है, कल कुछ ना रहेगा। पाप ने जिस दिन पुण्य ने करवट बदली उस दिन लाखपति को खाकपति होने में ज्यादा देर नहीं लगती, महलों को बेचकर सड़कों में आने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। किस पर अकड़ता है यार? कपड़े सफेद होने से कल्याण नहीं होगा, आज तुम्हें अपनी आत्मा को भी पावन और पवित्र बना करके रहना है, कलुषताओं से दूर रहना है। ध्यान रखिए, ऐसे सफेद वस्त्र जो आपने पहने हैं, अकेले वस्त्र नहीं बदलना मेरे भाई, भीतर का मन भी जो बदल लेता है उसके जीवन में पर्युषण पर्व अवतरित हो जाते। चित्त को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए, सब विकल्पों को छोड़िए। आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी का 40 साल का जीवन हो गया होगा, किसी का 50 साल का जीवन हो गया होगा, कोई 60 के होंगे, कोई 70 के होंगे। हर बार पर्युषण पर्व मनाया, हर साल पर्युषण पर्व मनाया, लेकिन इस बार अजमेर वालों एक बात ध्यान रखना, 70 साल, 50 साल, 40 साल परिवार को सौंप दिए, रिश्ते नातों को सौंप दिए, संसार की रंगरलियों में बिता दिए। जो भी परिवार को, रिश्ते नातों को दिया है, भाईचारे यार दोस्ती को दिया है, वह सारा का सारा समय व्यर्थ निकल गया। 10 दिन जो दोगे ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये केवल तुम्हारा है, इसे कोई नहीं ले सकता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये 10 दिन तक यदि तुमने अच्छे से साधना कर ली तो एक बात मान के समझना कि जीवन में हमने 10 दिन का ये जीवन बीमा करा लिया है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक बात ध्यान रखिए, घर में जीवन बीमा कराते हो, दुर्घटना में मौत हो जाए तो बीमा का पैसा किसको मिलता है? बोलिए, जिंदगी बर्बाद कर दी, पैसा मिलेगा पत्नी को और बच्चों को, लेकिन मेरी सभा में भी आज जीवन बीमा हो रहा है तुम्हारा। और एक बात याद रखना, ये पुण्य का वो जीवन बीमा है, यदि आपने मेरे यहाँ बैठकर और जिनेंद्र के दरबार में लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो एक बात याद रखना, मर भी गए तो पत्नी को नहीं मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें ही प्राप्त होगा, इस जन्म में भी प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी प्राप्त, जन्म जन्म तुम्हें ही मिलेगा, इसका ब्याज कोई और नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, हमारी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, छल मत करना। 10 दिन तक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना करना। एक आदमी बोले, महाराज क्या हम अपनी दुकान, अपने दफ्तर में यही कपड़े पहनकर जाएंगे? कमाल कर दिया, अपना धर्म तो पहनने का ही नहीं है मेरे भाई, तुम्हें तो कम से कम ये पहना रहा हूं मैं तुमको। तो लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया ये जैनी, लोग पागल हो गए, ये सफेद सफेद धोती दुपट्टों में कहां घूम रहे? ऐसा कोई नहीं कहेगा। जब ईद आती है, रमजान आता है, हर मुसलमान के सिर पर एक टोपी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जब आता है सावन का महीना, हर हिंदू परंपरा भगवा पहनकर कांवड़ पर जल की यात्रा लेने जाता है, उसे देखकर लगता है कि इनका त्योहार आया है। आज तुम भी गुजरो सड़कों से, लोग कहेंगे जैनियों का त्योहार आया है, जैनियों का पर्व। इन पर मत देखो, ये तो बेचारे ताली बजाने को आए हैं, इन्हें देख के कौन कहेगा जैन साहब जा रहे हैं? यदि चले गए तो क्या दिक्कत है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं में शर्म महसूस मत करो, इसमें गर्व महसूस करिए। आज महिलाएं यहां से घर जाएंगी सफेद सफेद पूरे रोड में,
ध्यान रखना, जो भी देखेगा कहेगा जरूर कोई साधक जा रही, कोई साधिकाएं जा रही है, ध्यान रखना। इससे इज्जत खराब नहीं होगी, लोगों के हृदय में आस्थाओं का स्थान तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, पर्युषण पर्व है, लगना चाहिए कि जैनों का कोई त्योहार आया है, लगना चाहिए कि तपस्वियों का कोई त्योहार आया है। सफेद वस्त्र जीवन के त्याग का प्रतीक है। ऐसा मत करना महिलाएं, संकल्प है तुम्हारा, ये नहीं कि घर गए तो रंगीन वस्त्र पहन लिए, दिन भर आपको यही पहनना है। दो साड़ी किस लिए दी गई है? जो शिविर में उनको दो मिलेंगी, अभी मिलेंगी, चिंता मत कर, मिलेगी, टेंशन मत, कितनी जल्दी प्राण निकले। एक महाराज, पति की हजार तो छोड़ो आधी, तुम भी दो नहीं दे रहे हो। मिलेंगी मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ रहा? सफेद एक साड़ी में कैसे रहोगी, एक में तो माता जी भी नहीं रहती, उसको भी दो लगती है। ध्यान रखिए, विचार कर, सफेद चटाई पे सोना है, गद्दे पर नहीं सोना है, समझ में आ रहा? नहीं तो साधना के साथ छल हो जाएगा। बन जाइए एक दिन, चिल्लाते हो मां का लाल कैसा हो, पुलक सागर जैसा हो, पड़ोसी कहीं, तुम कब बनोगे? ध्यान रखिए, 10 दिन तो साधना करो, 10 दिन तो तपश्चर्या करो, 10 दिन तो देखो कि हमारी यारिकाएं कैसी रहती हैं, 10 दिन तो देखो आपके संत कैसे रहते हैं। क्या पूरी 100 साल 50 साल की जिंदगी में 10 दिन भी संत का जीवन नहीं जी सकते हो? 10 दिन इतना मुश्किल है, फिर जो जीवन भर साधु बने हैं उनकी निंदा करना आसान है, लेकिन संत का जीवन जीना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ध्यान रखिए, एक दिन नहीं होती साधना, 10 दिन संन्यास नहीं होता, जीवन भर संन्यास लेकर कैसे जीते हैं संत लोग? बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। हर बार तो पर्युषणों में मंदिरों में पूजा की, पूजा तो आज भी है यहां बैठकर। शास्त्रों में कहा है कि जो सामूहिक बैठकर के पूजा करते हैं उनको सामूहिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तुम पढ़ते हो शास्त्रों में पूजाओं में कि सम्मे शिखर की अमुक टोक से इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है, हजारों लाखों मुनि मोक्ष गए। एक बात ध्यान रखना, यदि पवित्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना देव शास्त्र गुरु की आपने कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं जब भी पुण्य मिलेगा तो तुमको सामूहिक पुण्य का फल प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, कभी ना कभी। आप सबने साथ ही से पुण्य का बंद कर लिया तो जहां से हम लोग मोक्ष जाएं वहीं से तुम लोग भी साथ साथ निर्वाण को प्राप्त। सामूहिक पुण्य है, ये छोटा मोटा नहीं है। मंदिर में बैठ के पूजा करना अलग चीज है, समूह रूप में पूजा करना अलग चीज हुआ करती है। तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं, कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में, बस गई पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा, इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए। और हम यहां बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं, जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। मान ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी
पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान, दिन भर पानी नहीं पीना है, सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एकासन करो तो फिर एकासन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया, तो काय का एक आसन, वो तो दो आसन हो गया। हमने कहा ऊनो दर, तुमने कर लिया दूनो दर, डबल ले करके आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाएं, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए। ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं धरती पर, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है, चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, कि जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए, ग्लानी होना चाहिए, घृणा हो जाना चाहिए हमें अपने जीवन से। दो रास्ते, एक सरलता का रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। और जब जब मेरा मन कठिनाई के रास्ते को छोड़कर सरलता का रास्ता पकड़ता है, तब तब भीतर से ग्लानी होती है कि मैंने सरलता का रास्ता क्यों स्वीकार। जीवन तो कठोर साधना है, साधना करिए अपने जीवन में, शक्ति को जागृत करिए। आप कहेंगे हमारी शक्ति नहीं है, जगाओ शक्ति को, जगाओगे तब जागृत होगी। पहले इसे हार मानकर बैठ जाओगे, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। प्यास लगी है, रोको, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा। और जब प्यास लगे तो एक काम करना, सारे शिविरार्थी, किसी और को नहीं, पुलक सागर को याद कर लेना। तुम तो एक टाइम भोजन करके केवल बैठे हो, मैं तो एक टाइम भोजन करके अब तीन तीन चार चार टाइम बोलूंगा, कंठ भी सूखता होगा। मैं तुम्हारे जैसे मिमियाते हुए तो बोलता नहीं हूं, शेर जैसा दहाड़ता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, प्यास लगे अपने संतों को याद करो, भूख लगे संतों को याद करो। बाहर निकलने में शर्म लगे सफेद कपड़ों में तो मुझे याद करना, तुम्हारे पास तो धोती है, मेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है मेरे भाई। ध्यान रखना, कैसे जीवन की साधना, किस जिनेन्द्र को पूजते हैं, अपरिग्रह में जीने वाले भगवान। ध्यान, साधना करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा पुण्य जगेगा। आत्मशक्ति को पहचानो, अनंत शक्तियां तुम्हारी आत्मा के भीतर मौजूद है। जो तपस्या करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयास करो।